उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने 460 ईस्वी पूर्व से लेकर 446 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया था। गंगा नदी के तट पर इसने एक शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिसे हम वर्तमान में पटना नाम से जानते हैं, और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। उदयन के शासनकाल के दौरान मगध का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैल चुका था। उदयन ने अपने राज्य विस्तार तथा उसकी सुरक्षा हेतु राजधानी परिवर्तित की थी। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता, जबकि जैन ग्रंथों में इसे पितृभक्त कहा गया है। उदयन के बाद उसके तीन पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक क्रमवार मगध पर शासन करते हैं। पुराणों और कथाकोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। 412 ईस्वी पूर्व में हरियक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या उसके ही सेनापति शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की।